खबर मंदसौर से सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन रोड पर मारपीट की घटनाओं को लेकर शहर के थाना प्रभारी श्री गोपाल सूर्यवंशी ने आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की है। बताया जाता है कि आरोपियों के द्वारा फरियादी से हर माह 5,000 की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी श्री गोपाल सूर्यवंशी जी ने मीडिया से साझा की है। बंदूक लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ, क्या कहना? फरियादी सोहेल पिता अनवर नयापुरा का रहने वाला है। इसे 2-3 दिन से कुछ लड़के हैं, जिसमें एक मोहसिन उर्फ सनी, राहुल सोलंकी और राहुल जठिया, ये 3 लोग 2-3 दिन से पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं कि अगर तू हमें पैसे नहीं देगा तो तेरे साथ मतलब मारपीट मारेंगे करेंगे। तो इसी बात को लेकर जब कल भी इनके साथ में कुछ झगड़ा हुआ था और आज इसे स्टेशन रोड पर रोका और इसको कट्टा दिखाया, सिर में भी एक कड़े से इसके साथ में मारपीट की है और ये रंगदारी वसूल करना चाहते थे। तीनों आरोपियों का पूर्व रिकॉर्ड भी है। किस बात का पैसा मांग रहे थे सर ये लोग? ये दादागिरी का, बस रंगदारी करना है। कितना पैसा मांगा गया था? 5,000 रुपये इससे मांगे थे कि हर महीने 5,000 रुपये देगा हमें, नहीं तो तेरे को देख लेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें 384, 327, 323, 506 आदि कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो फुटेज प्राप्त हुए थे, जो शहर में जो CCTV लगे हैं उसमें फुटेज प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर हमारी जो चार्ली मोबाइल हैं और FRV वगैरह है और पूरा फोर्स, इन्हें सबने मिलकर तत्परता दिखाते हुए करीब 35 मिनट के अंदर अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कितने आरोपी पकड़े हैं? तीनों आरोपी जो हैं, मोहसिन रोहित और मोहसिन राहुल सोलंकी और राहुल जटवा, ये तीनों लोगों को गिरफ्तार पकड़ लिया गया है, राउंड अप किया है, इनसे पूछताछ जारी है।